सारा संसार रिसर्च कर रहा है किसकी मालूम है कि आदमी का रोग का कारण एस इट इज रहे, स्वास्थ्य का नियम भी कोई ज्यादा पालन करना ना पड़े और फिर ऐसा कोई रास्ता निकल जाए जिससे आदमी ठीक हो जाए। हम केवल दवाएं इलाज खोजते रहते हैं। दवाएं गलत नहीं, ध्यान रखना, कोई भी दुनिया की दवाएं गलत नहीं, आदमी की खोज है, दे आर ऑल रेस्पेक्टेबल साइंसेस, बट आपका कॉन्सेप्ट गलत है कि मैं दवा खाकर ठीक हो जाऊंगा ना, ये तुम्हारा कॉन्सेप्ट गलत है। लोग भी अगर बीमार पड़ गए तो आपके अंदर ठीक होने का शौक नहीं है, मैं ऐसा मानता हूं। क्यों? अगर शौक होता आपकी चॉइस भी नहीं है तो आप बीमार नहीं पड़ते। सबको मालूम है, देखिए आज हम सब बड़ी बड़ी बीमारी में उलझ के चल रहे हैं। सबको मालूम है इधर पूरब है इधर पश्चिम है। सबको मालूम है कि योग अच्छा है, ध्यान अच्छा है, सब अच्छा है ना, कहते हैं ना सब अच्छा है, यस या नो, है ना। हवा अच्छी है, धूप अच्छी है, हंसना अच्छा है, नाचना अच्छा है, फल सब्जियां खाना अच्छा है, रेस्ट करना अच्छा, सब जानते हैं, प्यार करना अच्छा, सब जानते हैं, लेकिन आप ठीक क्यों नहीं होते मालूम है? क्योंकि आपकी असली प्यास उस तरफ जाने की नहीं है। आप क्या कहते हो मालूम है उसको देख के, भाई साहब मुझे मालूम है बहुत अच्छी चीज है, मैं आज नहीं तो कल जाऊंगा जरूर, आपने बताया वो मैं जरूर उसके ऊपर मैं सोच तो रहा हूं, लेकिन अभी कहाँ जा रहे हो? नहीं अभी तो मैं बाद में जाऊंगा, अभी तो मैं ऐसा सोच रहा हूं कि मुझे रोग का कारण निकाले बिना और स्वास्थ्य के नियम पालन किए बिना मुझे कैसे कोई दवा में टोटका मिल जाए, ऐसा होम्योपैथी में, एलोपैथी में, एक्यूपंक्चर में, इसमें उसमें, कोई भी यूनानी में, जिससे कि मुझे आराम मिल जाए। जी दवाएं गलत नहीं, ध्यान रखना, कोई भी दुनिया की दवाएं गलत नहीं, आदमी की खोज है, दे आर ऑल रेस्पेक्टेबल साइंसेस, बट आपका कॉन्सेप्ट गलत है कि मैं दवा खाकर ठीक हो जाऊंगा ना, ये तुम्हारा कॉन्सेप्ट गलत है। तो इसीलिए दवा ठीक है, दो दिन चार दिन के लिए रिलीफ ले लिया कोई बात नहीं, लेकिन भाई यू टर्न तो करो तो सही। शरीर क्या कहता मालूम है? भाई साहब एक भी कारण ठीक तो देता नहीं है, एक भी कॉस्ट स्वास्थ्य का देता नहीं है, और फिर मुझसे पूछता कि तू ठीक ठीक क्यों नहीं हो रहा है, क्यों हो जाएगा, कैसे हो जाएगा? तो इसीलिए ये शरीर बड़ा नियम से चलता है, नियम से, ये पूरा ब्रह्मांड नियम से चल रहा है, सब जानते हैं ना। और नियम का मतलब क्या मालूम है? डेफिनेट डेफिनेट डेफिनेट। अगर गलत कारणों से बीमार पड़ना डेफिनेट है तो सही कारणों से ठीक होना भी उतना ही डेफिनेट है। मैंने कैंसर पे कई सालों से काम किया, प्राकृतिक चिकित्सा में जब मैंने हॉस्पिटल चलाया तो एक ही सिद्धांत पे काम किया, इन ए हेल्दी बॉडी कैंसर सेल कैन नॉट सर्वाइव। सिंपल सा लॉ, अगर हम एक किसी बॉडी में से एक कैंसर का सेल निकाल दें और किसी हेल्दी बॉडी में डाल दें ना, कुछ घंटों में बॉडी सैकड़ों ल्यूकोसाइट काउंट उसके चारों तरफ लगा के उसको धक्का मार के बाहर फेंक दी। आज जरा सोचिए, कैंसर का अगर सबसे बड़ा कोई दुश्मन है तो वो आपका शरीर। लेकिन हम अपने शरीर की मदद नहीं करते, हम अपने मकान मालिक को मजबूत नहीं करते, बस हम केवल दवाएं इलाज खोजते रहते हैं। और मजेदार बात यह, बीमारी के कारण तो 10 और उसके ट्रीटमेंट 1000। 10 कारण है और ट्रीटमेंट 1000 है, जरा सोचिए। और हम करके आ रहे हैं मालूम है? ये हाथ है, ये हाथ यहां पे रखा, इसको टेढ़ा किया, थोड़ा दबाया, प्रेशर दिया, दर्द होने लग गया। अब इसका नाम है बीमारियां, दुख। अब आप क्या कर रहे हो? अब सारी दुनिया, आप ही नहीं सारी दुनिया, ये दर्द हो रहा है भाई साहब, यहां प्रॉब्लम हो गई है, क्या करना चाहिए? भाई साहब ये फलाना हर्ब लगाओ, मालिश करो, एक्यूपंक्चर करो, एलोपैथिक पेन किलर लो, यानी तो और भी 500 तरह के उपचार दुनिया में उसका अप्लाई करो,
और सब अपनी अपनी तारीफ करते रहते हैं। देखो थोड़ा थोड़ा लाभ मिल गया, देखा ना आपने। मैं कहता हूं बीमारी ठीक नहीं करनी पड़ती भाई, शरीर लगा हुआ है ठीक करने में। वो कहता है कि भैया जो हाथ है ना इसको हटाओ तो सही, मैं तो सीधा रहने के लिए बनाऊं। तो एक्चुअल में बीमारी ठीक नहीं करनी पड़ती भाई, रोग का कारण निकालना होता है। तंबाकू वातावरण में फैला देते हो, छींक मारते रहते हो, फिर आप कहते हो डॉक्टर साहब जरा छींक बहुत हो गई मेरे को, डॉक्टर कहता है ये दवा खा ले। आप तंबाकू नहीं निकालते वातावरण से, क्या करोगे, लड़ाई जारी रहती है। तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब है नियम बड़े ठोस हैं, और प्रॉब्लम क्या मालूम है, सारा संसार रिसर्च कर रहा है किसकी मालूम है, कि आदमी का रोग का कारण एस इट इज रहे, स्वास्थ्य का नियम भी कोई ज्यादा पालन करना ना पड़े, और फिर ऐसा कोई रास्ता निकल जाए जिससे आदमी ठीक हो जाए। आप क्या सोचते हो आदमी सफल होगा उसमें?